नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। राहुल गांधी के विदेश वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। संसद में लगातार हो रहे संग्राम के बीच बड़ी खबर आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयानों को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। विदेश मंत्रालय की एक बैठक में उन्होंने लंदन में दिए गए अपने बयानों पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान एक व्यक्ति को लेकर था, सरकार या देश को लेकर नहीं था। राहुल ने सफाई उस वक्त दी जब बीजेपी सांसद ने लंदन वाले बयान का मुद्दा उठाया। भारत की G20 अध्यक्षता पर शनिवार को विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी। यहां राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश से दिए गए बयान को लेकर भी जमकर हमला बोला। इसके बाद ही राहुल गांधी ने अपने सफाई वाले बयान जारी किए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उस तरह से बात नहीं की जिस तरह सत्तारूढ़ भाजपा दावा कर रही है। बीजेपी के एक सांसद ने राहुल की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि बैठक इस बारे में बोलने के लिए उपायुक्त मंच नहीं है। बैठक में मौजूद कुछ अन्य सांसदों ने भी यही कहा, जबकि विपक्षी नेताओं ने स्पष्टीकरण देने के राहुल गांधी का अधिकार का समर्थन। बता दें, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जयशंकर ने भी गांधी के इस मंच पर इस मामले पर बात ना करने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश मंत्रालय के इस मीटिंग में पूरी सफाई दी कि क्यों उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। बता दें कि कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाषण इस वजह से दिया गया कि वो किसी भी देश, धर्म या किसी भी सरकार को निशाना ना साधे, बल्कि उन्होंने ये बात साफ की है कि भाषण केवल एक व्यक्ति को लेकर था, हालांकि उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।